कोरोना महामारी से एक तरफ जहां पूरे देशवासियों में भय के साथ ही अफरा तफरी का माहौल है, वहीं धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों में भी इस खतरनाक बीमारी का दखल है। पूरे देश के साथ साथ गाजीपुर जिले में भी कोरोना के कारण दशहरा पर्व की रौनक इस साल पहले जैसी नहीं है। इस बार गाजीपुर के लंका मैदान में दशहरा पर्व पर दहन के लिए बनाए जाने वाले रावण के पुतले की लंबाई को भी कोरोना ने घटा दिया है। अति प्राचीन रामलीला कमेटी के मंत्री ओम प्रकाश तिवारी बच्चा ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष रामलीला का मंचन नहीं हुआ है। 6 दिन तक रामचरितमानस का पाठ कराया गया है। बताया कि दशहरा पर्व पर हर वर्ष 60 से 65 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन के लिए बनवाया जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल महज 12 फीट के पुतले का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के फैलने की वजह से सरकार द्वारा जनहित में जारी अनलॉक गाइडलाइन के अनुसार विजयदशमी का सांस्कृतिक एवं पारंपरिक रामलीला का कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से कमेटी एवं जिला प्रशासन की देखरेख में होगा। मंत्री ओम प्रकाश तिवारी बच्चा ने बताया कि कोई मेला एवं भीड़ का आयोजन नहीं किया जाएगा। स्थानीय लंका मैदान के सारे गेट बंद रहेंगे एवं गेट पर पुलिस तैनात रहेगी। अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी विजयदशमी के पारंपरिक एवं सांस्कृतिक समारोह का प्रतीकात्मक सूक्ष्म मंचन का आयोजन ऑनलाइन प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी, जिसका लाइव और रिकॉर्डेड प्रोग्राम का लिंक आपको मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। कुल मिलाकर इस कोरोना महामारी ने भय के बीच जहां आम जन जीवन को प्रभावित कर दिया है, वहीं पर्वों की रौनक भी अपने दहशत से फीका कर दिया है। होली को छोड़ दिया जाए तो सभी त्योहार इस महामारी की वजह से उत्साहविहीन वातावरण में ही मन रहे हैं। गाजीपुर के ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।